सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आप लोगों के साथ मिलने और ईश्वर की प्रशंसा करने का इस शुभ अवसर के लिए हमें ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। सुंदर स्तुति गीतों के साथ एलिवार्टे और मिंगती अतोत्सोंग हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड बी जोब्याक्वांगा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
सभी दर्शकों को प्रभु यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार के वचनों को सुनने के इस समय में जय मसीह की। आज जो कि परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे वो हमारे बाइबल के प्रकाशित वाक्य पुस्तक के 3:11-12 पद को लेकर हम सुनेंगे और उसी के द्वारा परमेश्वर का खंभा विषय पर आज हम थोड़े समय मनन करेंगे। आइए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य पिता, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। आज तेरा नाम का धन्यवाद करते सुंदर मौका देने के लिए ताकि हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न इलाकों में जो कि हमारे भाई बहन लोग हैं उनके साथ जो कि तेरे वचन को हम लोग आज एक साथ मिलकर मनन चिंतन कर सकें, उसके सहभागिता कर सकें। तो इसलिए पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे, मदद कर
ताकि जितने हम सुने उसे कहीं ज्यादा समझ सके और तेरे विश्वास के रास्ते में हमें एक नए जो कि मजबूत कदम उठाने में मदद हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि हमने सुना कि आज हमारा विषय होगा परमेश्वर का खंभा। आज हम प्रकाशित वाक्य में कहे गए इस खंभे के बारे में कुछ समय मनन करने जा रहे हैं। घर बनाने में जो कि खंभों का जरूरत, उनकी जरूरत हम जानते हैं। एक अच्छा घर बनाने के लिए अच्छे खंभों की जरूरत होती है और एक अच्छा और मजबूत घर बनाने के लिए सही माप के खंभे डालने पड़ते हैं और उसकी बनावट पर ही उस घर की जो कि टिकना वो निर्भर करता है। खंभा अगर सही हो तो घर सही होता है और खंभे के गलत होने पर वह घर कम टिकाऊ होता है। तो हमारे बाइबल के जो पाठ आज हमने सुना, तो यह पाठ जो 7 मंडलियों को पत्र लिखा गया था, उन 7 मंडलियों में से एक जो कि फिलाडेल्फिया के मंडली के नाम जो कि पत्री लिखा गया, उस पत्री में से है। तो उन 7 शहरों में से यह सबसे नया शहर था जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 159 से लेकर 73 साल बाद के जो कि बीच के समय में स्थापित किया गया। और इस नाम का अर्थ है जो कि भाई भाई के बीच में प्यार। इस शहर का नाम जो कि है वो यूमेनेस द्वितीय ने अपने भाई अत्तलुस द्वितीय के प्यार के कारण रखा और इसे उसी कारण फिलाडेल्फोस भी कहा जाता है। यूनानी लोगों की जो कि संस्कृति, उस संस्कृति के विस्तार के लिए यह शहर स्थापित किया गया। तो शहर के मंडली के लिए अब यह क्योंकि सुसमाचार प्रचार करना उस काम के लिए एक दूसरा मौका सामने था, क्योंकि इतिहास के द्वारा हम जानते हैं कि फिलाडेल्फिया शहर जो कि था भूकंप से पीड़ित इलाके में था और उस भूकंप की उनकी जो कि आदत सी पड़ गई थी और इसलिए वे बड़े भूकंप से डरते भी नहीं थे, लेकिन छोटे मोटे भूकंप से वे अस्थिर रहा करते थे जो कि रोज हुआ करता था। आज शहर का एक हिस्सा अगर भूकंप के कारण कहीं नष्ट हो गया तो कल फिर शहर का किसी और दूसरा हिस्सा नष्ट होता था। तो इसीलिए वे लोग रात को उस शहर के अंदर अपने घरों में ठहरने की हिम्मत नहीं करते थे। रात के समय वो लोग शहर के बाहर जगह झोपड़ियों में रहा करते थे और सुबह होने के बाद दिन में उस शहर में रहते थे। तो इस शहर के बारे में जब हम देखते हैं कि आगे जाकर यह एक महान शहर बना, एशिया माइनर के जो कि आसपास के जो कि इलाके हैं उन सभी इलाकों में जब अन्य जाति के, अन्य धर्म के लोगों की भरमार थी, तब भी यह फिलाडेल्फिया शहर जो कि है विश्वासियों का शहर के रूप में खड़ा रहा। आगे जाकर सन 1400 में यह शहर नष्ट हुआ, फिर भी वे लोग अपने विश्वास में बने रहे क्योंकि यह प्रतिज्ञा उनके लिए थी कि उन्हें द्वार के रूप में और खंभे के रूप में स्थापित किया जाएगा जो कि हमने बाइबल से पाया। तो आज जबकि इस पाठ को हम एक बार फिर से बाइबल में से पढ़ते हैं तो उसमें हम 2 विशेष बातें देखते हैं। पहली जो कि है वो है द्वार। प्रभु यीशु अपने लिए कहता है कि द्वार मैं हूं। उन्हें द्वार का जो कि उदाहरण देते हुए तो उस फिलाडेल्फिया के जो कि विश्वासी लोगों को भी सुसमाचार का प्रचारक बनने के लिए उत्साहित किया गया, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे अन्य जाति के लोग थे। तो फिलाडेल्फिया के जो कि मंडली के लोगों को उत्साहित किया गया ताकि वे प्रभु यीशु तक, उन लोगों को जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उन्हें पहुंचाने के लिए द्वार बने, क्योंकि जो प्रभु यीशु जिसका सुसमाचार हम प्रचार करते हैं वो परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार है। तो उनके लिए जिम्मेदारी थी कि उस द्वार यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए उन लोगों के लिए वे लोग भी अपने आप द्वार बने।
और दूसरी बात जो की है कर्तव्य पालन का, जो कि पुरस्कार, उस पुरस्कार के रूप में एक और नया कर्तव्य, ताकि वे अपने स्थान में अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करें। दूसरी ओर इसे जो कि प्रार्थना का द्वार भी हम कह सकते हैं, ये प्रार्थना का द्वार जो कि कभी बंद नहीं होता, यह हमेशा खुला रहता है। परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो उसी तरह से कि प्रार्थना करते हुए उस द्वार के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए भी उन लोगों को उत्साहित किया गया। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई रोक नहीं सकता, इससे वही प्रकट होता है। और इसीलिए वे लोग जो कि विश्वासी बने रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा थी, मैं तुम्हें बचा रखूंगा। फिर आगे यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह पता चल सकता है कि उनके लिए मूल प्रतिज्ञा यह थी कि परमेश्वर के मंदिर में खंभे के रूप में उन्हें स्थिरता दिया जाएगा। तो यह खंभा होने के लिए जो कि प्रतिज्ञा है, किनके लिए हो सकता है? तो पहले उन लोगों के लिए जो कि विश्वासी लोग हैं और जो पूरी विश्वस्तता के साथ प्रभु के लिए बने रहते हैं, उन्हें मंडली का खंभा स्वरूप माना जाता है। जो लोग कि अच्छे विश्वासी हैं, जो लोग कि ईमानदार हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सम्मान कहा भी जाता है। पत्रस और यकूब को अगर हम देखें तो प्रारंभिक मंडली के खंभे स्वरूप माना जाता है। और उसी तरह जो कि अगर यहूदी विश्वास में देखें तो यहूदी लोग जो कि है, उनके रब्बी लोग जो कि हैं, वे लोग अब्राहम को इस जगत का खंभा स्वरूप मानते हैं। तो अगर हम भी उसी तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें स्थिर रखेगा। दूसरी बात जो कि हम पाते हैं वो है कि वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। उस परमेश्वर के मंदिर में जिनको स्थान दिया जाएगा, जिनको खंभा स्वरूप स्थिर किया जाएगा, वे परमेश्वर के सामने से फिर कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसमें भी हमें दो बातें मिलती हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर की सुरक्षा की प्रतिज्ञा है। भूकंप के कारण जो कि फिलाडेल्फिया शहर में वे लोग स्थिर रूप से रह नहीं सकते थे, वे लोग बेचैन रहते थे। दिन में अगर किसी तरह समय बिता भी लिया, लेकिन रात के समय वे लोग शहर के बाहर झोपड़ी में सोने के लिए निकल पड़ते थे। तो इसीलिए उनके जीवन में अगर हम देखें, उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं थी। लेकिन यहां पर जो कि परमेश्वर की सुरक्षा जो कि है, यह स्थिरता के लिए है। परमेश्वर की देखरेख, उसकी सुरक्षा, उसका प्रेम, उसका जो कि अनुग्रह और बहुत कुछ है जिन्हें वह हमें भरपूर देना चाहता है। तो उसी के लिए जो कि प्रतिज्ञा जो कि है, एक बात हम यह समझते हैं कि उन सारे आशीषों से हमें कभी बाहर निकाला नहीं जाएगा अगर हम विश्वस्त रहते हैं। फिर दूसरी जो कि है, इसमें नैतिक चरित्र की बात भी सामने आती है। इस संसार में अच्छे लोग भी कभी कभार जो कि गलत काम कर बैठते हैं, क्योंकि उनका भला होना संसार की नज़र में है। परंतु परमेश्वर के विश्वासियों को खंभे के रूप में जब स्थिर किया जाएगा, और इसी कारण वे कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे और उसी द्वारा अच्छाई के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। और तीसरी बड़ी बात जो की है, यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का नाम लिखूंगा। उस शहर के जो कि मंदिर, उन मंदिरों में अगर देखें तो अगर कोई मंदिर का जो कि पुरोहित की मृत्यु होती है तो उसके सम्मान में एक नया खंभा उस मंदिर में डाला जाता है और उसमें उस पुरोहित का नाम लिखा जाता है ताकि उसका सम्मान उसके द्वारा हो सके। आज अगर उस शहर के खंडहर में जाकर हम देखें, आप भी जो कि दिखाई देता है, तो उसके चार संगमरमर का जो कि खंभा इस समय भी दिखाई देता है, जिनमें परमेश्वर का नाम
लिखा होता है, फिर नया स्वर्गिक यरूशलेम का नाम जो कि लिखा हुआ है, ये सब जो कि दिखाई देते हैं, जो कि परमेश्वर के स्वरूप प्रकाश में लाता है। उनमें लिखे गए नामों से स्वर्ग का जो कि नागरिक होने का लक्षण भी प्रकट होता है। परमेश्वर का नाम, नया स्वर्ग यरूशलेम का नाम आदि के द्वारा हमारे लिए जो कि प्रतिज्ञा और भी ज्यादा स्पष्ट होता है कि हम जाकर उसके लोग होते हुए उसके राज में जो कि हम लोग स्थिर रूप से निवास करेंगे। और यहां एक दूसरी बात आती है, यह स्वामी और दास का जो कि संपर्क, उस संपर्क को प्रकट करता है। पुराने समय में जब नए दासों के शरीर में हम देखते हैं कि उनके स्वामी उनके नामों का जो कि पहला अक्षर दाग दिया करते थे, तो इस विश्वास में हमारे जीवन में अगर हम देखें तो इस विश्वास के जीवन में जब हम यीशु मसीह को अपने प्रभु मानते हैं तो हम उसके दास हुए, और उसी तरह जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के दाग हमारे शरीर में देता है। यहां हमें पुराना नियम की जो झलक भी दिखाई देती है, जो अगर गिनती की पुस्तक उसका 6:22-27 पद में हम पढ़ें तो उन पदों में हम पाते हैं कि वे मेरे नाम को इसराइल पर रखें, तो उनके लिए वहां पर जो कि परमेश्वर की जो कि इच्छा है कि मेरे नाम को इसराइलों पर रखें। परमेश्वर के नाम जो कि उन पर लिखा गया है, जो कि उसका दाग उन्हें दिया गया है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे परमेश्वर के नाम को आगे तक इसराइलों में बनाए रखें, ताकि इससे सभी को पता चले कि हम परमेश्वर के लोग हैं। तो वे लोग कौन होंगे? वे वही लोग होंगे जो विजयी लोग होते हैं। हमें भी एक नया नाम दिया जाएगा जिससे पता चलेगा कि हम पर प्रभु के लोग हैं। आज भी हमारे विश्वासी जीवन में संसार की ओर से रोज भूकंप होता रहता है, रोज हमें संसार की ओर से अपने विश्वास के जीवन में झटका महसूस होता रहता है। विभिन्न प्रकार से यह हमारे जीवन को झकझोर कर रख देता है और हम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, फिर हम उसी संसार में लौट जाते हैं क्योंकि हम लोग मजबूर रहते हैं। जैसे कि फिलाडेल्फिया के लोगों को हम देखते हैं, रात को चाहे बाहर जाकर झोपड़ी में समय क्यों ना बीता, लेकिन अगले दिन उन्हें फिर से उसी शहर में लौटना पड़ता था अपने कामों के लिए। तो उसी तरह अगर हम भी इस विश्वास के जीवन में रहते तो उसमें भी हमें इसी संसार में हमें रहना पड़ता है, ताकि वहां रहते हम अपने कामों को आगे बढ़ाएं। हम पीछा छुड़ाते हैं, फिर उसी संसार में हम लौट जाते हैं, पर हम स्थिर नहीं रह पाते। तो विभिन्न विषय को लेकर हम अक्सर सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं। वर्तमान समय भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि हमारे सामने आती है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें, विश्वास के मामले में भी बहुत सारे बातें कहते थे, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम विश्वास रहें। प्रभु चाहता है कि हम विश्वस्त रहें, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियों को हम जाने और उन जिम्मेदारियों को निभाने में हम लोग स्थिर रहें। अगर हम यह कर सकते हैं तो प्रभु हमें खंभा स्वरूप करेगा, हमें उसका अपना नाम लिखेगा और वही हमारा पुरस्कार होगा, हमें कोई भी हिला नहीं पाएगा। तो आइए आज हम उस खंभे की तरह बन पाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। कहा जाता है कि हमारा विश्वास मोती की तरह है। मोती हम जानते हैं, मोती से जो कि गहने बनाए जाते हैं, लेकिन मोती को चमकाए रखने के लिए मोती से बने उन गहने को रोज पहनना जरूरी होता है, तब उसकी चमक बनी रहती है। लेकिन अगर हम मोती को अपने शरीर में ना पहनते हुए अगर हम उसे संभाल कर किसी जगह पर रख दें तो मोती धीरे धीरे अपने चूंकि चमक खो बैठता है। बिना पहने रखे रहेंगे तो वो अपनी चमक खो जाता है। उसी तरह हमारे विश्वास को भी हमें चाहिए कि हम काम में लगाए रखें, तब जाकर हमारा विश्वास और चमकेगा। एक लड़का, चूंकि एक उदाहरण कहना चाहूंगा,
एक लड़का जो कि पतंग काफी देर तक काफी समय तक उड़ा रहा था और वो अपने पतंग उड़ाने में इतना मशगूल था कि शाम हो आया और अंधेरा घिर आया, फिर भी वह अपने पतंग को उड़ाता रहा। तो उसी समय पास से जो कि एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था तो उसने उस लड़के को काफ़ी समय तक देखा और कहा, बेटा आप घर लौट जाओ, तुम्हारी पतंग कट गई होगी क्योंकि तुम्हें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन उस लड़के ने कहा, मेरी पतंग कटी नहीं है क्योंकि भले उसे मैं देख ना सकूं लेकिन जो कि मेरे हाथ में धागा है उसी धागे के द्वारा मैं उस पतंग के खिंचाव को महसूस करता हूं। तो आज हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। विश्वास के जीवन में कभी कभी इस तरह के परेशानी से हम लोग घिर आते हैं, इस तरह के झटके जो कि भूकंप संसार की ओर से भूकंप कहेंगे उनका झटका हमें महसूस होता है तो उस समय हमें अंधेरा लगता है। कभी कभी अपने विश्वासी जीवन को हमें अंधेरा महसूस होता है लेकिन उस समय हमें चाहिए कि हम अपने जिम्मेदारी में अपनी प्रार्थना में अपने विश्वास में बने रहें क्योंकि उसी के द्वारा हमें समय समय पर जो कि परमेश्वर की ओर से वो खिंचाव महसूस करेंगे और उससे हमें पता चलता रहेगा कि हाँ वह है और हमारे बातों को सुन रहा है और तब जाकर हम अपने विश्वास में और मजबूती पाएंगे। जीवन में कितने भी अंधकार समय क्यों ना आए पर अगर हम परमेश्वर के खंभे के रूप में अपने जो कि रिश्ता उससे जोड़े रखें तो हमें भी परमेश्वर के खिंचाव महसूस होता रहता है। फिर हम परमेश्वर का संपर्क से बाहर कभी भी नहीं होंगे, महिमा और आशीर्वाद में स्थिर रहेंगे। जंगल की उस झाड़ी की तरह जो मूसा ने देखा था वो जलता रहा लेकिन राख नहीं हुआ, तो हम भी उसी तरह अपने विश्वास में रहते हुए हम जलेंगे पर राख नहीं होंगे। तो आज हमारा संपर्क उसी तरह हम सोचें कि परमेश्वर के साथ कैसा है, क्या हम खंभे के रूप में परमेश्वर की ओर से स्थिर किए गए हैं, क्या हम उसके मंदिर में खंभे के रूप में स्थिर किए जाने के लायक होने के लिए अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं। उसी सोच को लेकर आइए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि सुने गए परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा को शांति और आशीष दिए। हमारे अगले कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। फबियाना अमल सोमतलांगी और तलेब्रसी मिशन खोयर के ओर से हम सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे।
अब हमारे इस सुसमाचार कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। अपने हर कर्तव्य पर परमेश्वर की आज्ञा पालन करें और इनके स्तुति करते जाइए। धन्यवाद।